तो बात दरअसल कल की है। जब मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज आता है, और वो मैसेज क्या था? तो दरअसल वो मैसेज था जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो अभी मैसेज क्यों आ रहा है? तो जिन किसी को नहीं पता, तो मेरा जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हर किसी को जॉब चाहिए होती है ना। तो बस इसीलिए मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई करके रखा था। तो उधर की से मुझे एक जगह से मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और वो जैसे मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई दे रहा था, वैसे मुझे अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो बस होना क्या था, अगले दिन मुझे इंटरव्यू में जाना था। लेकिन एक पंगा था यहाँ पे कि मैंने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इंटरव्यू कैसे देते। बस फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया, क्योंकि अगले दिन तुम्हारा भाई जब इंटरव्यू में जाए तो इंटरव्यूअर भी बोलना चाहिए, अरे तू मेरी जगह पे बैठ, अरे तू क्यों क्यों इंटरव्यू दे रहा है, मैं तू आज आ जा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन जैसे मैं थोड़ा टाइम तक इंटरव्यू के वीडियो देख रहा था, तभी अब तुम लोग बहुत सारे लोग इसमें से सोच रहे हो कि क्या कर रही है। बाय द वे इसका नाम जिमी है, मेरे पेट का नाम। तो दरअसल जिमी को लग गई थी भूख रात के 2 बजे। तो जिमी को खाना देने के बाद जैसे मैं बेडरूम में आता हूँ, तो तभी तभी मेरी नजर मेरे बालों पे पड़ी, और मुझे लगा यार इतने बड़े बाल तो यार इंटरव्यू में नहीं चलेंगे। फिर मैं थोड़ा टाइम तक ऐसे देखते रह गया, फिर मैंने मन में सोचा देखा जाएगा यार जो भी होगा कल। फिर मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और मैं सीधे आके सो गया। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, कैजुअल कपड़े क्यों पहन रहा हूँ? थोड़ा सा इंटरव्यू में जाना डिले हो गया, उसके पहले मुझे अपने कॉलेज जाना है, क्योंकि जब मैं फोर्थ सेम में था यानी सेकंड ईयर में था, तो मैंने एक इंडस्ट्री विजिट के लिए कुछ अमाउंट पे किया था, और ड्यू टू कोरोना वायरस टाइम पे वो पोस्टपोन हो चुका था। तो वो अमाउंट लेने के लिए हमारी जो कॉलेज की ऑफिशियल ग्रुप होती है, आपकी भी होगी मेरी भी थी, तो वो ग्रुप में मैसेज आया कि जल्द से जल्द जो अमाउंट है वो लेने के लिए कॉलेज पहुंचो। तो मैंने थोड़ा इंटरव्यू डिले कर दिया और मैं चले गया कॉलेज में। और इतना बड़ा लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार मैं अपने कॉलेज पहुंच ही गया। अब अंदर जाके देखते हैं क्या होता है, चलो। और उसके बाद मैं कॉलेज जाके भी आ गया और फिर मैं घर पे भी आ गया। तो सवाल ये है कि मैं इंटरव्यू में क्यों नहीं गया? तो मैं इंटरव्यू में नहीं गया क्योंकि जब मैं कॉलेज गया तो मैं अपने दोस्तों से मिला, और उसमें मेरे काफी दोस्त थे जो पहले से बहुत सारी जॉब करके बैठे थे। तो मैंने एक मेरे दोस्त को वो एड्रेस दिखाया जहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, तो उसने मुझे बताया कि ये जो जगह इंटरव्यू में है वो जगह कंसल्टेंट है, जो कि अगर हम जा रहे हैं वो जगह पे इंटरव्यू के लिए तो वो हमारा रिज्यूम लेके दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करती है, बदले में वो कुछ सिक्योरिटी चार्जेस लेती है। तो उसके बाद मैंने उस नंबर पर कॉल किया जिस नंबर से हमारी चैट में बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी खुद की कंपनी है जिसमें मुझे हायर कर रहे हो, या आप जॉब प्रोवाइड कराते हो दूसरे को? तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सर, हम तो जॉब प्रोवाइड कराते हैं आपका रिज्यूम लेके, और उसके लिए उन्होंने 1500 रुपया डिपॉजिट चार्जेस भी मांगे थे। तो उसके बाद यार मैं नहीं गया। फिर उसके बाद में मैं सोचने लग गया अच्छा हो गया मैंने कॉल किया, वरना मैं वहां पर जाके उतना टाइम वेस्ट होता था, और फिर मालूम पड़ता है डिपॉजिट चार्जेस के लिए, और उन लोग कैसे ना कैसे करके मनवा ही लेते हैं वो डिपॉजिट चार्जेस के लिए। और वैसे बहुत टाइम पहले भी हो चुका है कि जब डिपॉजिट वैसा करके फंसते, बहुत सारे दोस्त मेरे से पहले, मैंने बहुत सारे किस्से हुए, वो सारी बातें किसी और वीडियो पे करेंगे। तो छोटा सा वीडियो था, तो कैसा लगा है 2 दिन का जो भी रूटीन था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।